बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है बंगाल में जीत हासिल करने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, लगातार ममता बनर्जी पर हमला करते रहे, लेकिन आज ममता ने ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पर किए। कहा बंगाल को बंगाल ही रहने दो, ये बाहर वाले बिगाड़ रहे हैं। मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छे आचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने मिशन बंगाल शुरू कर दिया है, लेकिन अब ममता बनर्जी ने उन पर चढ़ाई कर दी है। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल को बंगाल ही रहने दो, गुजरात मत बनाओ। खाली कहते हैं हम बंगाल को गुजरात बना देंगे, क्यों? गुजरात गुजरात भी रहने दो भाई, गुजरात का मिट्टी बंगाल का मिट्टी, बंगाल का मिट्टी यूपी का मिट्टी, यूपी का मिट्टी। आप क्यों गुजरात बनाना चाहते हैं बंगाल को? बंगाल में दंगा फसाद करके गुजरात बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बांग्लार माटी, सोनार माटी, रवींद्र नजरूलर माटी, एटा गुजरातेर दंगार माटी नय। सबको गाल देता है, देखो गुजरात में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, कोई लोगों से बात भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। दिल्ली में आपने नहीं देखा कितना लोग दंगा में मर गया, सीए के बाप के लेके, एनपीआर के लिए, एनआरसी के लिए? कोई कुछ अपोज भी नहीं कर सका, कोई कुछ बोल भी नहीं सका, सबको गुली बंद कर दिया। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जंग छिड़ी हुई है, बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।